मैं दोबारा से मैं दूसरी बार आप लोगों के सामने आया हूँ और मैं फिर से आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप लोग जिस जज्बे से बैठे हैं, इतनी ठंड है मैं तो बीमार हो गया, पर आप लोग अभी तक लड़ रहे हैं, खड़े हुए हैं, इस बात के लिए मैं दाद देना चाहूँगा आप लोगों की हिम्मत की। और आप लोग जो इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए जो आप कर रहे हैं वो कभी भुलाया नहीं जाएगा, मैं बस आपको इतना ही बोलूँगा। मैं एक आध दो बातें बस बोलना चाहूँगा कि एक तो जो एक एक इकलौती चीज का जो मुझे लगता है आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा वो ये है कि अभी कई जगह पे, यहाँ पे शायद नहीं हो रहा होगा, पर कई जगह पे मूवमेंट जो है वो कई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो टेक ओवर करने की कोशिश कर रही है। आप लोगों को सबसे पहला ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जो आदमी आके यहाँ किसी पार्टी के नाम से कुछ कर रहा है वो इस मूवमेंट को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जहाँ इसके साथ किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी फेस को जोड़ दिया गया वहां पे इस मूवमेंट को खत्म करना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये एक एहतियात बरतनी होगी। दूसरा मैं बस यही बोलूंगा कि मुझे बताया गया कि आज आर्टिस्ट जो है वो आपके सामने आके कुछ कुछ पढ़ेंगे, मैं भी आर्ट से ही रिलेटेड आदमी हूँ लेकिन मैं लिखता नहीं हूँ, मैं कविताएं नहीं लिखता, मैं कुछ गद्य भी नहीं लिखता, पद्य भी नहीं लिखता, मैं बस पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ने का शौक है, मैं एक्टर हूँ, उसमें जितना कम्युनिकेट कर पाता हूँ करता हूँ। तो अब जिस तरह की कविताएं और जिस तरह के कई बार बोला जाता है कि आर्ट जो है वो बाकी सोशल पॉलिटिकल सिचुएशन से अलग होती है, मैं उस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, मेरा मानना है बिल्कुल गलत बात है। जैसे एक बड़ी खूबसूरत लाइन है, मैं आप लोगों के सामने उसका एक तर्जुमा करके अभी तर्जुमा कर रहा हूँ, तो हो सकता है बिल्कुल ठीक तर्जुमा ना हो, पर उसका मतलब ये है कि तुम बार बार पूछोगे कि मेरी कविता में या मेरी नज्म में मेरे मुल्क के पत्तों का, पहाड़ों का, नदियों का जिक्र क्यों नहीं होता। मेरा जवाब बस यही होगा कि आओ आके गलियों में बहता खून देखो, आके गलियों में बहता खून देखो, आके गलियों में बहता खून देखो। तो आर्ट को बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता है, खासतौर पर जब आप ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं। तो ये लोग कविताएं पढ़ रहे हैं, आपके हाथ में भी बहुत पावर है, इन लोगों ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही जो है लोगों को बेवकूफ बनाया है ना, आप लोगों के पास भी वो ताकत है, आप लोग उस ताकत का इस्तेमाल करिए, आप लोगों तक सही पैगाम पहुंचाइए, सही बातें करिए उनके सामने। सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत है जो इन लोगों ने इस्तेमाल करी है खराब चीज के लिए, उसे बदलने का वक्त आ गया है, आप पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल करिए उस ताकत का। जैसे मुझे पता है यहाँ पे बहुत लोग जो खड़े हैं वो टिकटॉक पे जरूर होंगे, अब इंस्टाग्राम के बारे में लोग बात करते हैं, ट्विटर के बारे में लोग बात करते हैं, टिकटॉक के बारे में बात क्यों नहीं करते, क्योंकि टिकटॉक जो है वो आम आदमी की ताकत है, आम आदमी का सोशल मीडिया है, उस पे जितने लोग हैं उतना ये लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इतने लोग जो है वो किसी एक चीज को फॉलो कर सकते हैं। मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग अपनी बात, सही बात जो आप लोग कहना चाहते हैं कि आप लोग विरोध में खड़े हैं इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज के, उस प्लीज जो है आप ज्यादा से ज्यादा इस बात को स्प्रेड करिए, अपने मैसेज को पहुंचाइए, बाकी पूरा देश आप लोगों के साथ है, तो आप लोग बिल्कुल परवाह ना करें और ये लड़ाई ऐसे ही लड़ते रहे और खड़े रहे।